नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धोखे से फिल्म बन जाने के बाद एक भाई के पास तथाकथित साइबर क्राइम के अधिकारियों का फोन आता और बातचीत हम आपको सुनाने वाले हैं। बातचीत को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा, आपका पूरा एंटरटेनमेंट अंत तक इस वीडियो के माध्यम से हम करते रहेंगे। जरा भी आपको बोर नहीं होने देंगे वीडियो के साथ, सिर्फ आप चिपके रहें। थोड़ा सा डाटा और थोड़ा सा समय आपका खर्च होगा पर बहुत मजा इस वीडियो में आपको आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देने वाला हूं। भाई गुजरात के रहने वाले हैं, बातचीत होती है, बातचीत इतनी मस्त होती है कि आप वास्तव में कहेंगे कि आ हा 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 मजा आ गया। तो आइए शुरुआत करते हैं, बिना समय गवाए बातचीत को आपको सुनाते हैं क्या बातचीत है। हाँ जी सर बोलिए, आप कौन बात कर रहे हो सर? जी बताइए सर जी। सर जी आपकी अब कंप्लेंट आई है। क्या कंप्लेंट आया? मतलब पीड़ित उनको फोन कर रहा है जिन्होंने धोखे से फिल्म बनाई। भाई ऐसे गट्स भी होने चाहिए, और उनसे कह रहा है कि तुम्हारी ये कंप्लेन आई है। आगे क्या कहता है वो थोड़ा देखेंगे, पहले मेरी बात सुनो फिर बात। फिर बात कर, मेरी बात सुनो फिर बोल। मैं गुजरात पोरबंदर से बात कर रहा हूँ जी। आपको गुजराती आती है? नहीं आती सर। नहीं आती है सर? तो मैं गुजरात से पोरबंदर से बात कर रहा हूँ, पहले सुनिए मेरी बात पूरी। हाँ जी। एक लड़के का मुझे कॉल आया था। ठीक। अच्छा। ये लड़का मुझे के मुझे भी हिंदी नहीं आती, इसलिए नहीं आती, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ इसलिए। सही। ठीक है। हाँ तो मेरी बात पूरी सुनो। इतना तो अच्छे से बोल पा रहे हो यार हिंदी। एक लड़का का कॉल आया कि एक लड़की है, उनको कॉल कर रही थी, वीडियो कॉल में उनको उत्तेजित किया और उसका सामान दिखाने किया। बस लड़के ने उसका सामान दिखाया तो लड़की की फोन वीडियो उन्होंने बनाई। ठीक है। और दिल्ली से एक कॉल आता है, बार बार ये लड़के को धमकी मिलती है कि मैं सीबीआई क्राइम ब्रांच में बात करता हूँ तो हमारी पुलिस ये लोगों की धरपकड़ करेंगी। तो आप कहाँ से बात कर रहे हो सर? ये मतलब देखिए लड़का है, उम्र उसकी ज्यादा नहीं है, इसका एक ऑडियो मैंने सुनाया था जिसमें खुद बता रहा था 18 साल के आसपास का है। देखिए ये गट्स है इसमें कि ये खुद बात कर रहा है उनके नंबर पे दूसरे पे और खुद को गुजरात पुलिस से बता रहा है और कह रहा है कि हमारे एक लड़के के पास ऐसे थे, हमारे एरिया के एक लड़के हैं पोरबंदर के, वो शिकायत लेके आए हैं कि उनके पास दिल्ली से ऐसे ऐसा फोन आया है। आप कौन बोल रहे हो दिल्ली में? आप अपने आप को साइबर क्राइम के अधिकारी बता रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? तो ऐसे गट्स होने चाहिए, इससे सामने वाला समझता है कि बेटा ये हमसे ज़्यादा समझदार है या फिर इतना समझदार तो है एटलीस्ट तुम्हें पैसा नहीं देगा, और यही हमें करना होता है। सुनिए अभी मैं इधर हैदराबाद शांति नगर से बात कर रहा हूँ। शांति नगर से बात कर रहे हो? हैदराबाद से। आपका नाम मुझे बताइए। हैदराबाद। वाह। रमेश चौहान। रमेश चौहान हैदराबाद से। रमेश चौहान तो मुझे पूरी मैटर बताइए कि आप क्या करते हो? मैं साइबर सेल दिल्ली में। हाँ हाँ जाहिल हो क्या बे? मतलब हैदराबाद से एकदम तो साइबर सेल दिल्ली में आ जाओगे? पर कॉमन, खैर तुमसे कॉमन सेंस की कहां उम्मीद हम रखे हैं यार जाहिलों से। जी हमने, आप क्या करते हो? क्या करते बताओ? मैं साइबर सेल में। साइबर सेल में आप क्यों 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 करते हैं कि लड़के को फंसाते हो, ऐसे काम करते हैं? साइबर सेल। मेरा बात सुनिए। मेरा बात सुनाइए। तेरा बात कौन सा? इसका कंप्लेंट है यूट्यूब के द्वारा। ठीक है। इसका कंप्लेंट है किसी लड़ी अन्य लड़की के साथ में, इसमें प्राइवेट पार्ट दिखाया। दिखाया। ठीक है। प्राइवेट पार्ट दिखाया तो लड़की ने इधर कंप्लेंट कर दिया। ठीक है। मेरी बात सुनो, लड़की ने कंप्लेंट, सुनो मेरे फोन मत कर करना, मैं शांति से बात कर रहा हूँ सर। क्या बोल रहे हो? मैं शांति से बात कर रहा हूँ जी। पहले मैं मुझे पूरा सुनिए। बोलिए सर। मैं बदतमीजी की बात नहीं कर सकता, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये लड़की उनको कह रही थी कि आप बाथरूम में जाकर उनका सामान बताओ। ठीक है।
जी ये लड़की कह रही थी ने, ये लड़की को आपको कंप्लेन की। हाँ मेरा बात वो लड़की कैसे, वाह ये बेहतरीन, देखो ये बेहतरीन इसने पॉइंट पकड़ा, यानी कि जो लड़की कह रही है वही कंप्लेन कैसे करेगी। अरे वो कुछ नहीं पता किसने पहले हाँ। किसने प्राइवेट पार्ट दिखाया, किसने नहीं दिखाया, ठीक है अगर लड़की का कंप्लेन आए तो हमने तभी इशू किया। वाह लड़की का कंप्लेन, यार तुम ये बताओ लड़की फोन कर रही किसी को वो कंप्लेन कैसे करेगी, और तुम एक वीडियो एक ऑडियो में उसको कहते हो लड़की के बाप को अरेस्ट कर लिया उसको ट्रेस पे रखा है, कोई बेवकूफ है क्या यार, वो तुम्हारी बात पे यकीन करेगा। बट खैर देश की जनसंख्या बहुत, देखिए दोस्तों अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, आपको इनकी जाहिलता के हजारों उदाहरण मैं आपको एक वीडियो में दे दूंगा। आपकी जिंदगी के कुछ, मुझे पता है कि आपकी जिंदगी बहुत कीमती है और उसका एक एक पल बहुत कीमती है, तो मैं आपके उस कीमती पलों में से सिर्फ क्षण कुछ क्षण मांग रहा हूँ इस वीडियो के लिए, अंत तक देखिएगा आप, सुनिए आगे। लड़की का कंप्लेंट आए, कंप्लेंट के द्वारा तभी हमने कॉल किया, ठीक है तो हमने हमारे को इतना मालूम नहीं है कि हम इधर कंप्लेंट आएगा तो हम अपने जैसे बंदे को कॉल करेंगे, कंप्लेंट आया तो हम बंदे को शिक्षा ही तो देंगे ना। सच्ची बात है सर शिक्षा। तो आप लड़के आप ये वीडियो का आप क्या करते हैं? सर जी वीडियो को कुछ नहीं करते, ये जैसे YouTube में कंप्लेंट आई, YouTube में वीडियो चल रहा है ना इसका, YouTube की तरफ से हमारे पास मेल आया तो गंदी वीडियो, हमारे को मालूम है गंदी वीडियो अलाउ नहीं है ना इंडिया के अंदर। मुझे ये भी पता है। आप सुन रहे हो, मतलब अभी बोल रहा है कि लड़की की तरफ से कंप्लेंट आई उसके खिलाफ हमने का एक्शन लिया, अभी बोल रहा है कि YouTube की तरफ से मेल आया और YouTube में वो वीडियो चल रहा है। है कि YouTube वाले भी ये वीडियो नहीं रखते हैं ना सर? जी जी, तो YouTube के द्वारा कंप्लेंट ये आया कि इस वीडियो को अन्य हटाया जाए, ठीक है, हटाने का इसमें सर मेरी बात सुनो जी, मैं आपके लिए वीडियो कॉल करना चाहता हूँ। नहीं वीडियो कॉल मत करना सर, मैं आपके साथ में वीडियो कॉल पर बात करना चाहता हूँ सर। नहीं नहीं सर, वीडियो कॉल नहीं, आप सादे कॉल बात करो, आप मुझे मेरे साथ बात करो। नहीं कोई टेंशन नहीं, अपना चेहरा मत दिखाई, मैं अपना चेहरा दिखाता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब ये अपना चेहरा क्या दिखाएगा उसमें, हम आपको बताते हैं। वीडियो कॉल के लिए फोर्स उसको इसलिए कर रहा है कि ये एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो, जैसे आपका राकेश अस्थाना जी का हो गया, संजय अरोड़ा जी का हो गया, श्रीवास्तव जी का हो गया, अपने जो सुमित जी हैं उनका हो गया, जिनका साइबर सुरक्षा एक यूट्यूब चैनल है उनका हो गया, तो इस तरह के जो बयान ये लोग पुलिस वाले देते रहते हैं मीडिया में या फिर अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल्स पर, मीडिया बाइट्स इनकी जारी होती है, तो उनके क्लिप्स को ये प्री रिकॉर्डेड करके दूसरे मोबाइल में सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आपको लड़की का वीडियो प्ले करके दिखाया था ऐसे ही दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम ये हैं और वर्दी में हम बैठे हैं, उसके पीछे का मकसद इनका ये होता है। अभी आगे सुनिए। नहीं नहीं सर, आपका चेहरा क्यों दिखा दे, मेरा बात तो सुन लीजिए, मैं अपना चेहरा दिखा रहा हूँ आपके लिए, कौन बात कर रहा हूँ कौन नहीं बात कर रहा, ठीक है सर। पर मेरे सर मेरी बात सुनो जी, मैंने आपको पहले भी किया कि मुझे हिंदी नहीं आता, इसलिए नहीं आता कि मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ सर, ठीक है सर। हिंदी नहीं आता हमारे को मालूम है, गुजराती को हिंदी नहीं आता है, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार मैं वीडियो कॉल पर अपना फेस दिखाना चाहता हूँ, आपसे कौन बात कर रहा कौन नहीं कर रहा, आपको विश्वास तो हो जाएगा ना बंदे के अंदर। सर मेरी बात सुनो जी, मुझे तो दिखाई नहीं देता, ठीक है सर मेरी बात सुनो जी, मैं ब्लाइंड हूँ, ठीक है। अरे यार ये तो फुल है, क्या बोल रहा हूँ मैं ब्लाइंड हूँ। वाह किस चीज का है? अब बताओ यार, आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया यार ये तो। जो साइबर क्राइम अधिकारी है उसको भाई ने बोला कि मैं ब्लाइंड हूं, मैं देख नहीं सकता तुम्हारी वीडियो कॉल, जब वो कह रहा किस चीज का, मेरे भाई उन साइबर क्राइम के अधिकारियों को जो मेवात के अपने आप को बताते हैं ये जाहिल, इनकी सात पुश्तों को ब्लाइंड का मतलब नहीं पता होगा जो आप इससे कह रहे हैं कि आप ब्लाइंड हैं। तो देखा, ये अपने आप को साइबर क्राइम अधिकारी बता रहा था दिल्ली से, ठीक है, इसको ब्लाइंड का मतलब नहीं पता, सामने वाले ने कहा कि आप वीडियो कॉल मत कीजिए मैं ब्लाइंड हूं, ये बंदा कह रहा है कि कौन सा, इसको पता ही नहीं ब्लाइंड का मतलब।
किस चीज का? मुझे दिखाई नहीं देता, मैं दृष्टिहीन हूँ। वाह, दिव्यांग हूँ। इसलिए मुझे वीडियो कॉल करो के साथ ही कॉल करो, मुझे कहीं फर्क नहीं पड़ता। भाई की धोखे से फिल्म बनी थी भाई, में इतने गट से कि इन्होंने फोन किया उनके पास, इन्होंने जो अपने आप को साइबर क्राइम के अधिकारी बता रहे थे, ठीक है। फिर भाई ने उनको बताया कि मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, गुजरात पुलिस से, और तुम्हारा ऐसे ऐसे शिकायत आया। उसके बाद जब ये अपने आप को इन्फ्लुएंस करने के लिए, दिखाने के लिए कि देखिए हम कौन बोल रहे हैं, क्योंकि भाई को ये दिखाना चाहते थे कि वीडियो प्ले करके जिसमें कोई पुलिस वाला बोल रहा होता, तो ये भाई को फोर्स कर रहे थे वीडियो कॉल कीजिए। भाई ने इनसे कहा कि भाई मैं ब्लाइंड हूँ, नहीं देख सकता। फिर ये कहता कौन सा मतलब, इनको पता ही नहीं। ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जाहिल को ब्लाइंड का मतलब नहीं पता था। तो सर जी मेरा बात सुनो, फिर आपको नंबर कैसे दिखाई दिया मेरा? फिर सर मेरी बात सुनो, अब ज्ञान हो गया इसको। मेरी बात सुनो, इस चीज का जवाब दीजिए। फिर आपको दिखाई नहीं देता तो मेरा नंबर कैसे फिर मिल गया सर जी? आपको ये बताइए, आप सर मेरी बात सुनो, मोबाइल कैसे चला लेते हो ये बताइए। मैं हमारे फोन में एक टॉपिक आता है, क्या चीज आता है? एक्सेबिलिटी नाम का सॉफ्टवेयर आता है, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप सर्च करके देख लीजिए। इनको पता है, जाहिलों को ऐसा तो कुछ नहीं आता है। हाँ, हमारा फोन बोलता है, इसलिए हमारे फोन में डबल टैप करते हैं तो हमको पता है, एक में बोलते हैं तो हम सुन, हमको दिखाई नहीं देता, हम तो सुन लेते हैं ना सर। तो अब मैं बता रहा हूँ आपके लिए, इसी चीज का कंप्लेंट है, ठीक है? हमने हमको दिखाई नहीं देता, हम सुन तो लेते हैं ना सर। तो बोलिए सर, लड़के का क्या बात कर रहे हो? मुझे दिखाई नहीं देता तो मुझे सुनता तो है ना, मैं सुन तो रहा हूँ ना सर। आप कहते हैं कि आपका फोन आप कहते हैं चला रहा था। अरे मेरा बात तो सुनिए, सुनता हूँ। लड़के का क्या लगते हो उस लड़के का? मैं लड़के का मोटा भाई हूँ सर। बड़ा भाई हूँ। अब इन जाहिलों को मोटा भाई का भी मतलब नहीं पता होगा कि गुजरात में बड़े भाई को मोटा भाई बोलते हैं। हाँ सर बोलिए। तो सर इसी चीज का कंप्लेंट आए। हाँ सर बोलिए। देखो अन्य हमारे को ऑप्शन लेना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें 1.5 साल का जेल होगा, 5 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। फिर में ये जाहिल एक्शन लेना, एक्शन भूल गया शब्द, ऑप्शन लेना पड़ेगा, मतलब ये कहना चाह रहा था कि वरना हमें इसमें एक्शन लेना पड़ेगा, भूल गया एक्शन, कह रहा कि वरना हमको ऑप्शन लेना पड़ेगा। हमारे जाहिल सर मेरी बात सुनो पहले जी। मैं बंधारण की सभी कलम पढ़ चुका हूँ जी। आप इसे मुझे बताओ कि किस कलम लगेगी इसको? क्या बोल रहे हो? मैं बंधारण भाई, बंधारण का मतलब बता रहा है कि जो कानूनी की जो कार्रवाई है, शायद मैं भी इतना नहीं जानता इस बारे में, पर इतना बता सकता हूँ कि भाई ये कह रहा है कि कानून की सारी जानकारी मुझे है, सारी कलम, सारे शब्द, सारी वो सब पढ़ चुका हूँ मैं। किस चीज़ की कलम आप लगाओगे इसके ऊपर? उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जाहिल ठहरे वो तो। बंधारण की सभी कलम पढ़ चुका हूँ, तो कौन कौन सी कलम चलती लगती है ये मुझे बताओ। किस चीज का कलम? अबे भाई वो धारा पूछ रहा है, कौन सी धारा लगाओगे, मतलब ये जाहिल। भाई सलूट है गुजराती भाई तुम्हें, सही मजे लिए इसके यार। और एक इसका तो एक खतरनाक और ऑडियो था जिसमें सामने वाला गाली दे के थक गया, पर भाई ने इतनी शालीनता से उनके मजे लिए ना, मजा आ गया। अब वो मैं सुना नहीं सकता यूट्यूब पे यार। तो इसी के लिए ना एक चीज़ मैं करने वाला हूँ कि एक टेलीग्राम चैनल में बनाने की सोच रहा हूँ, जिसमें आपके पास सारे कंटेंट जो अश्लील वगैरह बल्गेर भी होता तो उसमें डाल दिया करूँगा, ताकि आप सुन लें आराम से। मेरी बात सुनो कलम कौन सा लगाओगे? बंधारण के सभी कलम पढ़ चुका हूँ तो मुझे किस चीज का कलम पढ़ चुका? मैं बंधारण किस चीज का कलम? की सभी कलम पढ़ चुका हूँ। आप मेरी बात सुनो, आपको दिखाई नहीं है तो कैसे कलम पढ़ चुके हो? आप मुझे कहते हैं कि 400 आपके क्या बोला था कि ये कलम 420 420 ठीक है, उसको पता ही नहीं क्या बोल रहे। तो आप झूठ क्या बोल रहे हो सर?
क्या झूठ बोल रहा हूँ मैं? आप झूठ भी बोल सकता है ना सर जी। आप सभी लड़के की पोर्न वीडियो बनाते हो, आप वायरल कर देने की धमकी देते हो सर। सही बात है। क्या है अब ये समझ जाएगा, उस तरफ से वो गाली देना शुरू करेगा सर। पहला बात सुनिए, मेरी बात सुनो, गालियां मत देना। मुझे भी आती है, मैं मर्यादा में हूँ, इसलिए मैं गालियां नहीं दे सकता। घर से उठा लाऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ घर से उठा लाओगे साले? कोई घर से उठा लाऊंगा। गुब्बारा है, घर से हलवा है, खा लो। अरे आपका आपका लाइव लोकेशन मुझे भेजो ने। हाँ भेजो ने, दम में दो। बता रहा हूँ तेरे को, घर से उठा लाऊंगा मादर चूट को। हाँ बस आ गया लास्ट में, यही मुझे भेजो, मैं आपके घर पहुँच जाऊंगा सर। 24 घंटे में घर पर आकर अरेस्ट करेगा तो सारे। मैं आता हूँ, आपका लाइव लोकेशन दे दो मुझे। हाँ 24 घंटे में घर पर आकर अरेस्ट कर। अबे यही बोल सकते हो तुम। अरे मुझे दिखता नहीं, मुझे सुनना चाहता है। हाँ गट, बकवास मत कर। अरे मेरी बात सुनो, आप बकवास मत कीजिए। मेरा बात सुनो, तुम अपनी मम्मी की कसम खाओ, तेरे को दिखता नहीं है। मम्मी, मेरी मम्मी का कसम, मुझे दिखता नहीं है सर। मम्मी की कसम खाओ, दिखता नहीं है। स्कूल में नहीं करते बच्चों से बात। सुनो आप पुलिस वाला है तो आप जनता के साथ इस प्रकार की कैसे बात कर सकते हो सर? तुम फोन कर चीज के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि कंप्लेंट है यूट्यूब की तरफ से, हमारे को एक्शन लेना पड़ेगा। यूट्यूब ये धंधा करते नहीं, आप धंधे करते हो, यूट्यूब नहीं करते सर। फोन काट दिया और निकल गया। मुझे पता है। हाँ। राजस्थानी 11930 में आपकी कंप्लेंट करने जा रहा हूँ सर। ठीक है, कर दी। आप मुझे बना रहे हो सर? देखिए अब इस ऑडियो में एक चीज है कि जरूरी नहीं है कि आप किसी को गाली देकर ही उनको ये एहसास दिलाओ कि बेटा हम तुम्हारे बाप हैं। जब ये भाई कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? हर किसी के अंदर गट्स है, सिर्फ आपको जगाने की जरूरत है। आपके अंदर ये होना चाहिए कि भाई आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपके साथ एक जाल में आपको फंसाया गया, वो किसी को भी फंसाया जा सकता है। इस देश में बड़े बड़े लोगों को फंसाया जा सकता है, इस देश की खुफिया एजेंसी के लोगों को उसमें फंसाया जा सकता है। तो आप तो एक आम नागरिक हैं, तो डरने की जरूरत नहीं। अपने अंदर के उस कच्चे को जगाइए, अपने अंदर के उस हनुमान को महसूस कीजिए। हनुमान आपके अंदर है, आपको सिर्फ महसूस करना, बड़ी से बड़ी पर्वत उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, अपने बेशकीमती राय हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दर्ज करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।